हेलो एविएशन लवर्स गाइस, फाइनली इंडिगो एयरलाइंस ने लॉन्च कर दिया है लेटेस्ट वैकेंसी टू बिकम ग्राउंड स्टाफ। और दोस्तों ये वैकेंसी बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए रहने वाली है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दूं, अगर आप मेल फीमेल हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो यू बोथ आर एलिजिबल फॉर दिस काइंड ऑफ जॉब। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लॉट ऑफ पीपल दे विल आस्क कि परसेंटेज कितना रहना चाहिए। दोस्तों इसमें कोई परसेंटेज की रिक्वायर्ड नहीं है, जस्ट पास होगे तो भी आप इस जॉब के एलिजिबल हो। नेक्स्ट चीज, लॉट ऑफ पीपल यूज टू अगेन आस्क कि क्या हमें कोई एग्जाम देना पड़ेगा इंडिगो एयरलाइंस को ज्वाइन करने के लिए। नहीं दोस्तों, आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना। आपको देना है तो सिर्फ एक इंटरव्यू, और इस इंटरव्यू के दोस्तों देने के बाद आप हो जाने वाले हो सेलेक्ट एयरलाइंस इंडस्ट्री में। ठीक है, नाउ डिस्कस करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में। तो अगर आपको समझ में आ गया कि ये वैकेंसी बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए है, ग्राउंड स्टाफ जॉब है, और दोस्तों ये है मेगा रिक्रूटमेंट। गाइस गेटिंग द स्टाफ, दिस इज मेगा रिक्रूटमेंट जो कि ऑल ओवर इंडिया में हायरिंग हो रही है। कार्गो डिपार्टमेंट में हायरिंग हो रही है, ग्राउंड स्टाफ की है तो कार्गो डिपार्टमेंट में हायरिंग हो रही है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में हायरिंग हो रही है, रैम डिपार्टमेंट में हायरिंग हो रही है, कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में हायरिंग हो रही है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में हायरिंग लगातार चल रही है। ठीक है, अब बात करते हैं जॉब का पता कैसे लगेगा, क्या कैसे रहने वाला है। दोस्तों तो फटाफट से इनको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिए, और दोस्तों रेडी हो जाइए वीडियोस को देखने लिए। डेली में 3 से 4 वीडियोस लेकर आता हूं ताकि आपको मिल जाए जॉब की लेटेस्ट अपडेट और आप दोस्तों कर पाओ किसी भी एयरलाइंस का इंटरव्यू क्रैक। तो देख सकते हो दोस्तों, देख सकते हैं ये पीछे इंडिगो एयरलाइंस का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इस तरीके से आप काम करेंगे, अगर कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट ज्वाइन करेंगे तो ऐसा हेल्दी एनवायरमेंट रहने वाला है, प्लस आप एयरपोर्ट के अंदर रहकर काम करेंगे। एक सवाल और जो स्टूडेंट पूछते हैं, क्या हमें कोई ट्रेनिंग फीस देनी पड़ेगी? जी नहीं दोस्तों, कोई ट्रेनिंग फीस नहीं देनी पड़ेगी। ये एयरलाइंस इंटरव्यू बिल्कुल फ्री कंडक्ट कर रहा है। प्लस दूसरी चीज ये कि दोस्तों, सबसे मजा चीज ये कि ट्रेनिंग के भी कोई पैसे नहीं लगने वाले। तो आपको करना क्या है, सिर्फ इस इंटरव्यू को जाके क्रैक करना है जिस लोकेशन में बताने वाला हूं आपको, और दोस्तों नौकरी आपके हाथ में। दोस्तों बहुत सारी अमेजिंग सुख सुविधाएं मिलती है अगर एयरलाइंस ज्वाइन कर ले तो। उसके बाद आपको मिल जाएगा दोस्तों स्टाफ लेजर ट्रैवल, जहां पे आप इंडिगो एयरलाइन से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर पाओगे बहुत ही कम कॉस्ट में। थंबनेल में इसलिए फ्री कैब फ्री था फ्री फ्लाइट टिकट लिखा है क्योंकि फ्लाइट टिकट बिल्कुल फ्री रहती है एयरलाइंस के साइड से। लेकिन यस, आप एयरपोर्ट के टैक्स वगैरह पे करेंगे तो वो बिल्कुल नॉमिनल रहता है 900-800 रुपए, जिसमें आप भाई रायपुर से दिल्ली जाने का, दिल्ली से रायपुर 900 रुपए में सिर्फ मात्र आप ट्रैवल कर सकते हो। ठीक है, तो समझ में आ गया, तो वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दोस पीपल दोस हू आर फ्रेशर। जो फ्रेशर है, जीरो वर्किंग एक्सपीरियंस है, कुछ काम नहीं किया आज तक, पहली बार नौकरी करने जाने वाले हैं दोस्तों, तो रेडी हो जाइए बिकॉज ये जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिस आउट नहीं करना है। ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत कम आती है। और वीडियो को शुरुआत करने से पहले बता दूं, इस फॉर द फ्रेशर्स, बोथ फीमेल एलिजिबल, जाना है डायरेक्ट इंटरव्यू देना है, नो एग्जाम। ठीक है भाई, समझ में आ गया। ओके, बात करते हैं क्या क्या चीजें दी हुई यहाँ पे, इंडिगो एयरलाइंस का ऑफिशियल पेज है। इस तरीके से आप फ्यूचर में काम करेंगे नौकरी लगने के बाद। ठीक है, एक चीज और दोस्तों करना, कि आपको जॉब्स इन इंडिगो में क्लिक मार, जैसे आप जॉब्स इन इंडिगो में क्लिक मार दोगे तो क्या होगा, इनकी आप पेज में आ जाओगे, आपको यहाँ पे क्लिक करना है नाउ हायरिंग में। जैसे आप नाउ हायरिंग में क्लिक मारोगे तो आपको सारी की सारी चीजें यहाँ पे दिख जाएगी। तो दो चीजें दिखेगी आपको, जॉब ऑल जॉब्स में कार्गो, जिसमें कल ही वैकेंसी आई, कल रात को मैंने चेक कर लिया था इसके बारे में। ठीक है, तो कार्गो डिपार्टमेंट की वैकेंसी आई है, और दूसरी जो वैकेंसी आई है ये बाकी डिपार्टमेंट के लिए, जैसे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, राइट। 8 मई को दोस्तों देख सकते कितनी वैकेंसी आई है, जयपुर कहाँ कहाँ हायरिंग हो रही है दोस्तों। ऐसा है कि ना, पत्थर फेंक के जहां मारोगे दोस्तों वहां हायरिंग हो रही है, इस टाइप की चीजें आ गई है अभी। ठीक है, चीजों को डिस्कस करते हैं अभी लाइन से। ठीक है, बट शर्ते दोस्तों वीडियो को शुरुआत करने से पहले बता दूं कि भाई आज है फाइनल कॉल, इट इज अ फाइनल कॉल टू दोस पीपल जिनको एयरलाइंस इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है। ओके, एक चीज और ना, आप लोग पूछते हो लिंक कहाँ है दोस्तों, इसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, प्लस लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप में। दोस्तों मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एविएशन लाइफ जॉब अपडेट, और ये मैंने बनाया है आप लोगों की हेल्प करने के लिए, राइट। तो देख सकते हैं लगातार मैं जॉब अपडेट डालते जाता हूँ, आज मैं फिर से अपडेट करूंगा। और दोस्तों वीडियो को देख सकते हैं यहाँ पे कि भाई बूट कैंप जो है दोस्तों लास्ट डेट है आज, इसके बाद बूट कैंप खत्म हो जाएगा। 50% क्रैश कोर्स में दोस्तों ऑफ चल रहा है, और क्रैश कोर्स की फीस हो गई है जस्ट 3,999 रुपीज। दोस्तों इस कोर्स में आपको मिलेगा फ्री CV, फ्री कवर लेटर, सर्टिफिकेशन, मॉक इंटरव्यूज, PDF नोट्स, रिकॉर्ड लेक्चर फॉर लाइफ टाइम, और इंटरव्यू के लिए रेफरेंस भी दूंगा सीक्रेटली, ताकि आप हो जाए सेलेक्ट और दोस्तों एविएशन लाइफ का ब्रांड जाए बहुत ही आगे। दोस्तों मेरा नाम आशीष कुमार साहू है, मेरे पास है 10 साल का एक्सपीरियंस, मैंने अलग अलग एयरलाइंस में काम कर रखा है एज अ ग्राउंड स्टाफ एंड एज अ कैबिन क्रू। एंड दोस्तों अगर आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करते हो तो मैं आपको इस तरीके से हेल्प करने वाला हूँ कि आप इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे। अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है, सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हो, गेटिंग रिजेक्शन, नॉट एबल टू पास द इंटरव्यू, बार बार फेल हो रहे हो, रिजेक्ट हो रहे हो, गो थ्रू नहीं हो पा रहे हो, और परेशान हो चुके हैं इंटरव्यू दे देकर दोस्तों, तो गलती ये कर रहे हो कि आप उसी गलती को बार बार रिपीट कर रहे हो,
उसी गलती को बार बार रिपीट कर रहे हो और उसी गलती को बार बार रिपीट कर। जब तक गलती रेक्टिफाई नहीं होगी तब तक इंटरव्यू में पास नहीं होगी, तो ध्यान देना कि गलती को इंप्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप सच में इंटरेस्टेड हैं और सीरियस हैं दोस्तों, तो फटाफट से मैसेज, ये क्लासेस भले 15 दिन लिखा लेकिन ये चलेगी 20 से 25 दिन, तो फटाफट से मैसेज भेजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर में जो कि आपको यहां दिख रहा होगा, एंड मेरी टीम कोऑर्डिनेट कर लेगी आपसे। दोस्तों गलती से भी किसी डिप्लोमा प्रोग्राम में एडमिशन मत लेना, डायरेक्ट क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए और डायरेक्ट सिलेक्शन लीजिए, ठीक है भाई। देख सकते हैं और भी यहाँ पे दोस्तों स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि अक्षय है दोस्तों, ये रायपुर बेस में सिलेक्ट हुआ है, इससे मैंने 3 दिन में पढ़ाया था, 3 दिन में अक्षय सेलेक्ट हुआ है, इसका इंटर एक्सपीरियंस भी वीडियो डाला हुआ है, देख सकते हैं आप। स्वर्णाली दोस्तों, ये स्टूडेंट आई थी कोलकाता से पढ़ने के लिए, कलकत्ता से, एंड कुछ नहीं पता था भाई सोनाली को, लेकिन दोस्तों फाइनली शी इज नाउ वर्किंग विद इंडिगो एयरलाइंस, इसका फोटो भी मैंने शेयर किया था हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। इंडिगो से कॉल आया था, कल मेरा एपीएम सर के साथ इंटरव्यू है, विश मी लक, गॉट माय सिलेक्शन मेल, कांग्रेचुलेशन भाई, ठीक है। तो इस तरीके से मेल्स आते हैं स्टूडेंट्स को, कल ही की बात है, राइट। दोस्तों मैं आपको एक मजेदार चीज बता दिखाता हूँ, एक सेकंड, मेरा फोन है, कल ही की बात है, मेरे को साहिल एक स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ है, राइट। साहिल का दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे, व्हाट्सएप अगर मैं खोलू यहाँ पे तो दिख जाएगा, एक सेकंड, एस ए साहिल का सेलेक्ट हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो साहिल नाउ गेटिंग सेलेक्टेड एंड दोस्तों ये काम कर रहा है स्पाइसजेट एयरलाइंस में, कल ही सेलेक्ट है, कल ही की बात हुई है ये, ठीक है। एक सेकंड दोस्तों दिखाता हूँ आपको मैं, ठीक है भाई, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ दोस्तों, ये कल ही की बात है, कल रात ही की बात है, इसने मुझे मैसेज भेजा कि सर मैं सेलेक्ट हो गया हूँ करके, ठीक है। दोस्तों ऐसे स्टूडेंट लगातार सेलेक्ट होते हैं, मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ, आपको क्या ही बताऊँ भाई, कल ही की बात है दोस्तों। इसका भी साहिल का इंटर एक्सपीरियंस भी आ जाएगा यहाँ पे, देख सकते हो फोटो वोटो सब कुछ शेयर कर दिया मैंने शायद से यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों साहिल ने मैसेज भेज दिया, आई गॉट माई सेलेक्टेड फॉर स्पाइसजेट, दोस्तों मुंबई में जो इंट्री हुआ ना 8 तारीख को उसमें सेलेक्ट हुआ, यस सिलेक्शन नंबर 553, आई एम वेरी हैप्पी फॉर सिलेक्शन। इस तरीके से साहिल दिखता है, काइंडली सेंड योर फोटो भाई, इस टाइप की चीजें हैं भैया, सिस्टम बिल्कुल हैंग कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें, तो अगर आप भी सिलेक्शन लेना चाहते हो उसका इंटरव्यू एक्सपीरियंस आएगा साहिल का, ठीक है। अभी मैंने मैसेज भेजा, लिंक भेजा, देख सकते हैं आप। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, सच में इंटरेस्टेड होंगे तो मुझे बताइएगा आप, ठीक है भाई। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये इंडिगो एयरलाइंस का ऑफिशियल पेज, अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं क्या हायरिंग हो रही है, कैसे हो रहा है, क्या क्या चीजें हो रही है, एंड यू गाइस विल बी गेटिंग मच मोर बेटर क्लैरिटी। थोड़ा और साइड में लेके आ जाता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे आके देख सकते हैं इंडिगो एयरलाइंस का क्या क्या सीन है। ओके, अभी जो हायरिंग हो रही है दोस्तों, दो डिपार्टमेंट का डिस्कस कर लेते हैं, कार्गो डिपार्टमेंट और कौन कौन से डिपार्टमेंट का है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैकेंसी आई है उसके बारे में लाइन से डिस्कस करते हैं, पेन का कलर मैं रेड कर लेता हूँ पहले तो, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। दोस्तों ये जो हायरिंग हो रही है कार्गो डिपार्टमेंट की, कार्गो ऑपरेशन फॉर भुवनेश्वर में काम करने के लिए वैकेंसी आई हुई है, अगेन सेम कार्गो ऑपरेशन फॉर हुबली, हुबली मतलब दोस्तों कर्नाटका में पड़ता है, नेक्स्ट जम्मू कश्मीर GNK, तो यहाँ पे कार्गो के लिए वैकेंसी आई है, कोझीकोड के लिए वैकेंसी आई है, बैंगलोर के लिए वैकेंसी आई है, देन फिर अगेन भुवनेश्वर के लिए वैकेंसी आई है, ऑफिसर कार्गो ऑपरेशन दिल्ली के लिए वैकेंसी आई है, मुंबई, भुवनेश्वर, जयपुर। तो दोस्तों ये चल रही है मेगा हायरिंग एंड कार्गो डिपार्टमेंट, वेरी गुड स्टार्ट, वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रेशर टू स्टार्ट देयर करियर। कार्गो डिपार्टमेंट होता क्या कि एयरक्राफ्ट के अंदर आपको कार्गो लोड करवाना पड़ेगा, प्लस वहाँ की पेपर वर्क में आपको हेल्प करना पड़ेगा एयरलाइंस को, तो इस टाइप की चीज़ें आपको सारे सारे पेपर वर्क देखने पड़ेंगे। CISF से दोस्तों आपको वहाँ पे साइड बाई साइड आपको CISF के साथ, सॉरी आपको जो है CISF साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, प्लस जो भी कार्गो हो दोस्तों आप उनकी परमिशन से ही आप एयरक्राफ्ट में लोड करोगे, उनको इन्फॉर्म करोगे, नेक्स्ट एयरक्राफ्ट जब खड़ा होगा दोस्तों वहाँ पे खड़े होगे दोस्तों कार्गो लोड करवाओगे। तो इस टाइप के दोस्तों प्रैक्टिकल आपको वर्किंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है, ठीक है। एक किसी एक में क्लिक मार के देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें दी है, रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज़ दी है। दोस्तों यहाँ पे जो है कुछ खास नहीं दिया हुआ है, बट आप अप्लाई कर सकते हो। एक चीज़ और, बहुत सारे बोलेंगे क्या 12th बाद अप्लाई कर सकते हैं, आई विल सजेस्ट कि अप्लाई कर दो, क्यों, यहाँ पे कहीं दिया हुआ है कि ग्रेजुएट अप्लाई करना है सिर्फ, 12th वाला नहीं कर सकता करके नहीं दिया हुआ है ना दोस्तों। तो मेरा दोस्त थे जब मैं एयरलाइंस इंडस्ट्री में काम करता था, 12th पास वाले फॉर्म भरते थे, आई विल सजेस्ट कि 12th पास वाले फॉर्म भर दो, नोबडी नोस, कार्गो डिपार्टमेंट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में 12th वालों की हायरिंग होती है आज भी, ठीक है। फॉर्म भर दिए भले आपको नहीं दिया हुआ, नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया। फॉर्म अब करना क्या है आपको, अप्लाई नाउ में क्लिक मार देना और यहाँ से आपको फॉर्म फिलअप कर देना। तो एक चीज और, जहाँ पे इसका इंटरव्यू कंडक्ट होगा बेसिकली ऑनलाइन कंडक्ट होगा, या तो ऐसा होता है कार्गो डिपार्टमेंट वालों का कि वो आपको एयरपोर्ट के कार्गो डिपार्टमेंट बुला लेंगे और वहाँ पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट करा देंगे बैठा के, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो वैकेंसी है उसके बारे में डिस्कस कर, तो समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट जो दोस्तों वैकेंसी आई है जयपुर एयरपोर्ट के लिए आ गई है, नेक्स्ट अहमदाबाद एयरपोर्ट के लिए आ गई है, देन जयपुर, अहमदाबाद, गुजरात, गुड़गांव, ठीक है, अहमदाबाद, जयपुर, अहमदाबाद, त्रिवेंद्रम, यहाँ यहाँ के लिए वैकेंसी आई हुई है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ देखते हैं क्या क्या चीजें दी, 8 मई मतलब कल ही के दिन वैकेंसी आई हुई है,
ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज दोस्तों, ये जो हायरिंग हो रही है दोस्तों सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लिए हो रही है, ठीक है। प्लस नेक्स्ट चीज जो है, और किस चीज के लिए हायरिंग हो रही है? बस सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लिए हायरिंग हो रही है, आई गेस। मुझे नहीं लगता कि और किसी डिपार्टमेंट के लिए हायरिंग कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट आपका बेसिकली काम कर रहा था कि एयरक्राफ्ट को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, प्लस अपने एयरलाइंस को आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना पड़ेगा। नेक्स्ट दोस्तों आपको देखना है, कोई आदमी ओवर स्मार्ट बनने की तो कोशिश नहीं कर रहा लाइटर ले जाने के लिए, या कुछ ऐसी चीजें ले जाने की कोशिश तो नहीं कर जिससे आपके एयरक्राफ्ट को हार्म पहुंचेगा, जिससे एयरलाइंस को हार्म पहुंचेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। और क्या क्या चीज दोस्तों, और भी अमेजिंग चीजें हैं, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अप्लाई कर ले करना कि आपको दोस्तों अप्लाई नाउ में क्लिक मारना, जैसे अप्लाई नाउ में क्लिक मारेंगे इसका पेज अलग से खुल जाएगा और वहां एक डिटेल फॉर्म आ जाएगा, वो फॉर्म आपको फिलअप करना, सबमिट कर देना है। दोस्तों ये जो इंटरव्यू बिल्कुल वॉक इन इंटरव्यू नहीं है, इसी भी शॉर्टलिस्टिंग इंटरव्यू है। आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट होगी, उसके बाद आपको एयरपोर्ट में बुला लिया जाएगा इंटरव्यू देने के लिए। नेक्स्ट दोस्तों जो वैकेंसी आई है, एग्जीक्यूटिव एओसीएस लिखा हुआ है, ओके। ये जो हायरिंग हो रही है दोस्तों, ये मल्टीपल जगह पे हायरिंग हो रही है, ठीक है। अब देखते हैं कहाँ कहाँ पे हायरिंग दोस्तों, ये इसके जो हायरिंग हो रही है दोस्तों, ये हो रही है अहमदाबाद, जयपुर, इंदौर, कोल्हापुर, उदयपुर, नागपुर, गोंदिया, भुज, जैसलमेर, सूरत, औरंगाबाद, किशनगढ़, जोधपुर, दीव, राजकोट, पुणे, वडोदरा, शिरडी, नासिक। तो इतने सारे बेस में हायरिंग हो रही है भाई। कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, भाई जितने भी दोस्तों, 20 मान के चल रहा हूं मैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये सारे के सारे जगहों के लिए हायरिंग हो रही है भाई, ठीक है। अब नीचे आते हैं, ठीक है। रैम डिपार्टमेंट के लिए हायरिंग दोस्तों, रैम डिपार्टमेंट का बेसिकली क्या काम रहता है दोस्तों, एयरक्राफ्ट उस रूम में रखा है, मैं आपको लाके दिखा सकता हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐड करेंगे उसे। उसका क्या काम है दोस्तों, एयरक्राफ्ट जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपका एयरक्राफ्ट है, मान के चलो रिमोट को आप एयरक्राफ्ट मान सकते हो, तो आपका काम रहेगा दोस्तों एयरक्राफ्ट को बैलेंस करना, देखना कहीं ऐसा तो नहीं कि पीछे ज्यादा लोड हो गया। अगर पीछे ज्यादा लोड हो गया दोस्तों एयरक्राफ्ट ऐसे उठ जाएगा, तो आपको दोस्तों एयरक्राफ्ट को बैलेंस करना है, प्लस प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिठानी है ग्राउंड स्टाफ सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के बीच में कस्टमर। तो बहुत अमेजिंग जॉब अपॉर्चुनिटी दोस्तों, इसे स्किपर भी बोलते हैं दोस्तों, राइट, स्किपर, ठीक है, रैंप वालों को। तो करना कि आपको अप्लाई नाउ में क्लिक मार देना है, 12th पास हो तो भी अप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ खास दिया नहीं है कि 12th पास वाले अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। ये समझ में आ गया, ओके। और कुछ तो खास नहीं दिया यहाँ पे, ठीक है भाई, ओके। जैसे ही मैं ऊपर आता हूँ, नेक्स्ट जो वैकेंसी है कहाँ के लिए आई है, ओके, सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव दिल्ली के लिए वैकेंसी के बारे में चेक है। गुड़गांव हरियाणा के लिए वैकेंसी आई हुई है, एग्जीक्यूटिव सिक्योरिटी अहमदाबाद, ओके। बात करते हैं नेक्स्ट, जो इंटरव्यू जिसके डेट दिया हुआ है, वेन्यू दिया हुआ है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे मैं बैक आ जाऊंगा यहाँ पे, तो देख सकते हैं आपको, जैसे मैं नीचे आऊंगा दोस्तों, तो ये ऑल जॉब्स के पहले यहाँ, अगर मैं यहाँ पे आना पड़ेगा मेरे को, ठीक है, एक बार और बैक कर लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं नीचे आऊंगा दोस्तों, तो यहाँ पे आपको इंटरव्यू डेट मिल जाएगा, इंटरव्यू वेन्यू मिल जाएगा। तो बैंगलोर में इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं 20 मई को, ठीक है, ओके। इंटरव्यू वेन्यू देख बताते हैं, बैंगलोर में इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं दोस्तों 20 मई को, ठीक है, 20 मई 2024। टाइम दिया हुआ है 8:30 से 10 बजे के बीच में, इंटरव्यू टाइम है 6:30 से 6 बजे के बीच में। वेन्यू है डी क्लब स्पोर्ट क्लब LLP 17:18:19, राइट, बगालूर मेन रोड यहालंका, बैंगलोर में इंटरव्यूज कंडक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अभी समझ में आ गया चीजों के बारे में, बात करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में, हो गया बैंगलोर ड्राइव। नेक्स्ट जो इंटरव्यू कंडक्ट होंगे दोस्तों, 13 मई को जयपुर में इंटरव्यू कंडक्ट हो, जयपुर का देखा होगा ना आपने, 13 मई को जो इंटरव्यू कंडक्ट दोस्तों जयपुर में कंडक्ट हो रहे हैं, 13 मई दिखा दोस्तों साफ साफ रिपोर्टिंग ने 8:30 से 9:30 बजे के बीच में। वेन्यू है होटल लेजर इन ग्रैंड चाणक्या, 4AB काशी भवन, पंच भाटी, MI रोड, जयपुर। तो यहाँ पे इंटरव्यूज कंडक्ट हो रहे हैं फॉर जयपुर बेस, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में, जयपुर हो गया आपका, बैंगलोर हो गया, ठीक है। अब नीचे आते हैं दोस्तों, अब जो नेक्स्ट जो इंटरव्यू कंडक्ट हो रही है, इंदौर में कंडक्ट हो रहे हैं। तो आज 9 तारीख है ना, तो इंटरव्यू कब कंडक्ट हो रही है, 10 तारीख को कंडक्ट, मतलब कल के दिन में इंटरव्यू कंडक्ट, 10 तारीख को इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं, राइट। रिपोर्टिंग टाइम 8:30 से 9:30 बजे के बीच में दिया हुआ है। वेन्यू सरोवर प्रतिको होटल प्लॉट 562, महात्मा गांधी रोड, रीगल स्क्वायर, नेहरू पार्क 2, सीताबाग कॉलोनी, इंदौर, मध्य प्रदेश में दोस्तों। इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं कब, 10 तारीख को, ठीक है भाई, ये समझ में आ गया। चलो दोस्तों यहाँ पे क्लिक मार के देखते हैं रिक्रूटमेंट की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, तो आपको और भी क्लियरिटी मिल जाएगी चीजों को लेकर। तो यहाँ पे ऐसा कुछ खास एलिजिबिलिटी नहीं दिया हुआ है, लेकिन ओके, हायरिंग इवेंट्स, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाए जयपुर, जयपुर ड्राइव, कुछ ऐसा खास इतना डिटेलेशन इंफॉर्मेशन दोस्तों, कायदे से एयरलाइंस वालों को यहाँ पे डिटेल में बताना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स को क्लैरिटी मिले। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्लैरिटी नहीं मिलेगी इस चीज को देख के, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं यार। तो दोस्तों बेसिकली जो हायरिंग होती है, जो नदर्न रीजन में हायरिंग होती है, वो ग्रेजुएट्स को लेकर होती है, और सदर्न रीजन में होती है दोस्तों, उसमें क्या है, क्लास 12th वाले भी एलिजिबल रहते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा भाई, एक बार ट्राई मार के देख लो। 9 मई को दोस्तों पुणे में ड्राइव कंडक्ट हो रहा है, मैं कोशिश करूंगा इसको इंटरव्यू वीडियो को अपलोड कर दूँ, ठीक है। 9 मई को इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे इंटरव्यू वेन्यू दोस्तों पार्क स्टिक होटल हुआ करता था पहले, क्योंकि मैंने खुद पुणे बेस में काम किया हुआ, तो पार्क स्टिक होटल में इंटरव्यू कंडक्ट, लेकिन अब जो है होटल ऐसा चेंज हो गया है, राइट। द सेंचुरियन होटल शिवाजी नगर पुणे अपोजिट आकाशवन नियर बाय रेलवे स्टेशन और नियर मेट्रो स्टेशन, पिन कोड, टाइम दे दिया भाई, ठीक है। तो पहुंच जाना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने का कुछ दिया नहीं हुआ है, ठीक है। तो करना क्या, करने के रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे आ जाना है, ठीक है, क्लिक मारना है यहाँ पे,
क्लिक मार के दोस्तों करना क्या है, अप्लाई नाउ में क्लिक मार देना। अप्लाई नाउ के बाद आपको एक चीज और, इंटीजर देने जाओगे तो पूछेंगे आपने रेशन किया, तो आप क्या बोल दोगे, यस सर हमने रेशन किया हुआ है। नो मत बोल देना वहां पर, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो ऐसे करके रेशन करना है, और वीडियो पे करिए लाइक्स, तो मैं बताऊंगा क्या हाउ टू फिल द फॉर्म ऑनलाइन। दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले बता दूंगा, आई गेस वीडियो थोड़ी बड़ी बन गई है, बट शर्तें आपको क्लैरिटी मिलनी चाहिए दोस्तों। मेरा कॉन्सेप्ट हमेशा सही रहा है कि स्टूडेंट्स को अच्छी क्लैरिटी मिलनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको सिलेक्शन लेना है, घर बैठे बैठे इंटरव्यू क्रैक करना है, सिलेक्शन लेना चाहते हो, सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हो, इंटरव्यू गो थ्रू नहीं हो पा रहा है, इंग्लिश कमजोर है, और सही स्ट्रेटेजी नहीं पता, सही आइडिया नहीं पता, सही सीवी बनाने नहीं आती, मेरी क्लासेस ज्वाइन करिए, मैं गारंटी देता हूँ कि आपका इंटरव्यू क्रैक होगा। देख सकते हैं स्टूडेंट्स, दे हैव क्रैक द इंटरव्यू, अभी भी वर्किंग एक्सपीरियंस है इनके पास, राइट। अब मैं क्या ही बताऊँ उसके बारे में दोस्तों, कितनी बार बता चुका हूँ मैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो अगर आप सच में इंटरेस्टेड है तो ही मैसेज भेजिएगा, लाइव पढ़ाऊंगा आपको गूगल मीट में, और आपको सिलेक्शन कराऊंगा। जीरो दोस्तों हीरो बैच मान के चलो आप, ठीक है, ज्योतिष दोस्तों काम कर रहा है, इंडिगो अलायंस में सेलेक्ट हो चुका है ये, तो इट इज अ जीरो टू हीरो बैच। और अगर आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करते हो दोस्तों, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपका सिलेक्शन होकर रहेगा। तो गाइस बाय बाय, टेक केयर गाइस, जय हिंद टू ऑल दोस्तों, डोंट फॉरगेट टू क्या फ्लाई हाई इन द स्काई।